सलमान खान और फिल्म मैंने प्यार किया, इन दोनों को ही एक दूसरे से जुदा करके नहीं देखा जा सकता। सलमान आज भी कहते हैं कि इनके करियर की आज तक की इनकी पसंदीदा फिल्म है मैंने प्यार किया। लेकिन जब ये फिल्म बनने वाली थी तो ये इतना आसान नहीं था। सूरज बरजाती अभी तो अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। राजश्री प्रोडक्शंस को भी एक हिट फिल्म की ज़रूरत थी। सलमान ने जो पहला ऑडिशन दिया वो सिलेक्ट नहीं हुए, और कई और बातें थीं कि सलमान को नहीं लिया जा सकता इस फिल्म में, इस तरफ इशारा करती थी। फिर क्यों उन्हें ही लिया गया, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। ...1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, सलमान खान भाग्यश्री स्टारर फिल्म, सूरज बरजातिया की पहली फिल्म डायरेक्टर के तौर पर। वो कहते हैं उस वक्त कहा जाता था कि अगर लता जी किसी फिल्म के लिए हाँ बोल देती हैं तो वो फिल्म ज़रूर चलती है। वो कहते हैं मुझे याद है कि जब लता जी ने हाँ बोली तो मानो सब अच्छा होने लगा, चाहे वो फिल्म थी या उसका म्यूज़िक। इमोशंस इस तरह जुड़े थे इस फिल्म के साथ कि एक शॉट के लिए जिंदगी हाजिर है। सूरज 20 साल के थे जब उन्होंने ये फिल्म लिखी थी। पिता ने कहा लव स्टोरी लिखो, इन्होंने लिखी, वो इंग्लिश में थी, फिर उसे ट्रांसलेट किया। अब सबको ये लग रहा था कि कोई नया होना चाहिए इस फिल्म में। सलमान को बुलाया गया ऑडिशन के लिए। सूरज कहते हैं तब हीरोज की बड़ी दमदार पर्सनालिटी हुआ करती थी, ये जब बाहर बैठे थे तो बहुत छोटे लगे मुझे। है जब मीटिंग शुरू हुई तो फोटोग्राफ्स दिखाए जो मनीष पहल ने खींचे थे इनके। सूरज कहते हैं पिक्चर्स कुछ और बयां कर रही थी, वो जादू थी, बिल्कुल अलग। फिर सोचा कि चलिए स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाते हैं, और वो प्रेम का पहला स्क्रीन टेस्ट था। इस ऑडिशन को रिजेक्ट कर दिया गया था, स्पेशली वो जो क्यों बोला था। सूरज कहते हैं आवाज हो या थ्रो, कुछ भी सही नहीं लग रहा था। हाँ देखने में अच्छा लग रहा है। कई टेक्स हुए इस ऑडिशन के लिए। एक और कारण रिजेक्ट करने का ये भी था कि हीरो हीरोइन दोनों नए होने चाहिए, ये बात हुई थी, और सलमान एक फिल्म कर रहे थे बीवी हो तो ऐसी, और उसमें भी साइड रोल था, तो फिर इन्हें हीरो के तौर पर लॉन्च करना ये रिस्क हो सकता था। ये 4-5 महीने टालते रहे। 4 महीने बाद सलमान ने दूसरे प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया, लगा कि अब ये फिल्म तो मिलेगी नहीं, और राजश्री में नए लड़के भेजते रहे कि आप इन्हें ले लीजिए, ये मुझसे बेहतर हैं। सूरज कहते हैं मुझे लगा कि चलिए कम से कम जाकर मना तो करें कि आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं। ये वहाँ गए जहाँ बीवी हो तो ऐसी की शूटिंग चल रही थी। जब सलमान मिले तो इतने खुश होकर गले मिले, और जब हमने कहा कि आपका हो नहीं पाएगा इस फिल्म के लिए तो बोले कोई बात नहीं आप इन्हें ले लीजिए, किसी और का रेफरेंस दिया। जब ये बाहर आए तो सूरज कहते हैं तभी सोच लिया कि हीरो तो यही होगा, ये एक्टर थे इसलिए मैंने प्यार किया में एक साथ काम नहीं करने वाले थे। जिस तरह के सलमान इंसान हैं इसलिए हम एक साथ काम करने वाले थे, सूरज ने कहा। फिर सेकंड स्क्रीन टेस्ट हुआ, और इसके बाद वो कहते हैं हमें ये मालूम हो गया था कि ये लड़का स्टार बनेगा। फिल्म बनाने के बाद जब ये फिल्म डब हुई, मिक्सिंग के लिए मिक्सर टेक्नीशियन के पास गई तो उसने कहा, सलमान की आवाज़ को सुनकर कहा कि ये आवाज़ चलेगी नहीं, इसे किसी और की आवाज़ में रीडब करो। तब राजबाबू सूरज जी के फादर, उन्होंने कहा कि नहीं, लड़के को एक और चांस मिलना चाहिए, और सारी फिल्म वापस डब की गई। ये ध्यान रखा गया कि डबिंग जो है वो आफ्टरनून में हो, क्योंकि सुबह सुबह आवाज़ खुली हुई नहीं होती। सूरज कहते हैं आज कोई कहता होगा सलमान को कि वापस डब करिए। ये फिल्म वैसे ओवर बजट बनी थी,
फिल्म में जीवन के रोल के लिए मोनीश बहल को सलमान ने ही सूरज प्रजातिया को रेकमेंड किया था। और जानते हैं, अब फिल्म मैंने प्यार किए की बात हुई है तो भाग्यश्री के बारे में भी ज़रूर बताऊंगी कि इस फिल्म को वो नहीं करना चाहती थी, और यही सोचकर सूरज को उन्होंने कई बार टाला। कोई ना कोई, कभी स्क्रिप्ट को लेकर कोई बहाना बनाया, कुछ और कारण, और वो कारण एक्चुअली उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा था कि वो फिल्म नहीं करना चाहती थी। लेकिन सूरज की इनोसेंस और डेडिकेशन को वो फिर ना नहीं कर पाई। अब कोई किसी भी तरह से साइन हुआ हो, लेकिन ये सच है कि कास्टिंग परफेक्ट थी फिल्म के लिए। इसके गीत हों, अंताक्षरी हों, डायलॉग्स हों, जिन्हें फिल्म में दोहराया गया, जैसे दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। इस फिल्म का कौन सा डायलॉग है जिसे आपने भी कहा है अपनी निजी जिंदगी में, उसे कमेंट्स में लिखिएगा।